मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने देश के लिए कितना जीते हैं और क्या कर पाते हैं। चार बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान ने इस बार लोकसभा चुनाव में विदिशा सीट पर 8 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की है। शिवराज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह दी गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से लोकसभा सांसद शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान ने कल कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। मंत्री बनने के बाद शिवराज ने दिल्ली में स्वजनों के साथ मध्य प्रदेश भवन के पास चंपा का पौधा रोपा। उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने देश के लिए कितना जीते हैं और क्या कर पाते हैं। शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा। मैं भाव विभोर हूँ, अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा और मेरा विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत और शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। अपने जीवन का दिन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने देश के लिए कितना जीते हैं और क्या कर पाते हैं। मैं बहुत भावविभोर हूं, अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा और मेरा अपना विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। जनता की सेवा मेरे लिए सदैव भगवान की पूजा रही है, तो अपनी जनता की सेवा और देश के विकास का जो अवसर मिला है, मन में एक ही संकल्प जब उपजता है कि दिन और रात अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिश्रम करके अपने देश के लिए और अपनी जनता के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।